बने ना, इनकी सॉफ्टनेस देखो कितनी ज्यादा है। क्योंकि मैंने देखे वो वाले भटूरे जो ऐसे हाथ लगाने से ना पापड़ी निकल जाती है, हाँ। लेकिन इसमें से नहीं निकल रही। ओके थैंक यू। और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, सॉफ्ट भी हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ भटूरे। तो भटूरे की रेसिपी के लिए पहले तो आप इसे हाथ से गूंथ सकते हैं, पर मैं अपना निंजा फूड प्रोसेसर डो मेकर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने उसकी लगा ली है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 कटोरी मैदा। तो आप 2 कटोरी मेजर करके भी डाल सकते हैं या आप हिसाब से डाल सकते हैं। आप भटूरे बनाने के लिए प्लेन फ्लोर या मैदा आप ले लीजिए 2 कटोरी। और इसमें मैं डाल रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट। आई एम यूजिंग मयूरी पैन इंस्टेंट ईस्ट। यू कैन यूज़ एनी ब्रांड ऑफ 1 पैकेट ईस्ट विच इज़ 10 to 11 grams। और इसमें फिर मेरे को डालना है बेकिंग सोडा। तो आप हिसाब से 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल लीजिए, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, नॉट एक टीस्पून। और फिर मेरे को इसमें लिटिल बिट सॉल्ट, ½ टेबलस्पून सॉल्ट एज पर टेस्ट, यू कैन एडजस्ट दैट। और मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर विच इज़ 1/4 टेबलस्पून या 2 चुटकी हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून शुगर। आई एम यूजिंग फाइन शुगर। और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आई एम यूजिंग कनोला कुकिंग ऑयल, एंड 1 टेबलस्पून ऑफ मेथी पाउडर या कसूरी मेथी लीव्स। फाइनली इसमें पानी डाल के आप इसे बना लीजिए आटा। तो मेरा आटा बनके तैयार है, एंड आई एम गोना टेक इट आउट। एकदम परफेक्ट आटा बना है, बिल्कुल भी गीला नहीं है ना ड्राई है, एंड ऐसा ही एकदम सॉफ्ट और नरम आटा होना चाहिए आपका। तो मैं ये आटा बोल में डाल के रख लूँगी, एंड वी आर गोइंग टू रेज इट फॉर 2 आवर्स। तो आप इसको एक सेलो टेप से, सेल्फ एंड टेप से कवर कर लीजिए, और कीप इट इन ए वेल क्लोज्ड एरिया, नॉन वेंटिलेटेड एरिया। सो आई एम गोना कीप इट इनसाइड माय ओवन फॉर 2 आवर्स एंड लेट इट राइज। सो अभी सिर्फ 40 मिनट्स हुए हैं। ओ माय गॉड, लुक एट माय भटूरा का आटा। तो ये आटा बहुत अच्छे से राइज हो चुका है। अगर मैं इसे 2 घंटे छोड़ूंगी तो बहुत ही राइज हो जाएगा। दिस इज गुड टू गो। सिंस आई यूज्ड इंस्टेंट ईस्ट, आई कैन यूज इट इन 30 मिनट्स एज वेल। अभी 40 मिनट्स हो चुके हैं। मेरे बेटे को भूख लगी है, सो आई एम गोना स्टार्ट मेकिंग भटूरास। तो मैं स्लैब पे भटूरे बनाने वाली हूँ। तो हम एक बड़ा सा चंक ऑफ भटूरे का आटा लेंगे, और इसको मैं बड़े से भटूरे बनाऊँगी, सो इसलिए इसको ऐसे अच्छे से मसल के राउंड एंड स्मूथ बना लेंगे। ये ऑलरेडी वेरी सॉफ्ट है, तो ये बहुत आसानी से मसल जाएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। मैंने कटोरी में ऑलरेडी से ऑयल ले लिया है। अब हम इसको बेल लेंगे। तो मेरा भटूरा बेल गया है, काफ़ी बड़ा बेला है, और इसे डालेंगे कढ़ाई में। सो ये भटूरे बन गए हैं। आप देख सकते हो मैंने लंबे वाले भटूरे बनाए हैं, कितने सुंदर और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, सॉफ्ट भी हैं। तो ये रहे भटूरे। वाह रणवीर, देखो कितने अच्छे हैं, सॉफ्ट है ना। तो ये रणवीर और उसके पापा के छोले भटूरे। रणवीर का राउंड भटूरा है, उसके पापा के लंबे लंबे भटूरे हैं। वाह भाई वाह, कैसे लग रहे हैं? खा के बताओ। स्वाद हो जाएगा खत्म। अच्छा छोले भटूरे फ्रॉम माय किचन। अच्छे 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 रेस्टोरेंट फेल है। थैंक यू। ये जो भटूरे बने ना, इनकी सॉफ्टनेस देखो कितनी ज्यादा है। क्योंकि मैंने देखे वो वाले भटूरे जो ऐसे हाथ लगाने से ना पापड़ी निकल जाती है, हाँ। लेकिन इसमें से नहीं निकल रही। ओके थैंक यू। एंजॉय योर मील।